हेलो दोस्तों, मैं शेफ अरुण गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ द किचन नमक में। और आज हम लेके हैं आपके लिए चीज़ मशरूम की रेसिपी। बहुत इजी और बढ़िया रेसिपी है, स्नैक्स रेसिपी है। एक बार आप देखें कितने बेहतरीन बनते हैं मशरूम, इसे बनाना तो एक बार ज़रूर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने मशरूम ले लिए, इन्हें हमने अच्छे से धो के साफ करके रख लिया है। और अब हमें इसके ऐसे डंडी निकालनी है और इसके बीच में से थोड़ा सा हमें होल करना है, स्क्रैप कर लेना है। तो ये हमने एक छोटी डेमिटास स्पून ली है, आप यहाँ पे कोई भी स्पून ले सकते हैं, कोशिश करें कि स्पून थोड़ी छोटी हो। और हमें ऐसे करके ये सारा स्क्रैप कर लेना है, इसमें एक बीच में होल बना लेना है। फिर ये जो मशरूम की जाली अंदर, हमें ये भी निकाल लेनी है। मशरूम अगर आपका टूटे तो कोई बात नहीं, पर ज़्यादा नहीं तोड़ना है। और ये ऐसे, ये देखिए हमारा मशरूम तैयार हो चुका है। अब मैं एक आपको एक और मशरूम करके दिखाता हूँ। तो ये हमने ऐसे तोड़ लिया है और उसके बाद ये हमने स्पून से सारा स्क्रैप कर लिया है। तो जब ये ऊपर का स्क्रैप हो जाए तो आप ये अंदर की जाली स्पून की बैक साइड से भी स्क्रैप कर सकते हैं, इससे बहुत ईजी रहता है तो मशरूम टूटने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया से स्क्रैप कर लिए हमने, सारे मशरूम ऐसे स्क्रैप करके तैयार कर लिए। और ये जो हमारा वेस्ट है, जो डंडी है अंदर का पार्ट या जो मशरूम कोई टूट गया है, वो हमने ले लिया। और इसको अब हम सबको फाइन चॉप कर लेंगे। हमें ये अच्छे से फाइन चॉप सब कुछ कर लेना है। इसकी हम एक स्टफिंग बनाएंगे जो हम इसके अंदर भरेंगे। तो ये अब हमारा मशरूम सारा फाइन चॉप हो चुका है। तो ये मैंने एक पैन ले लिया है, अब इसके अंदर हम स्टफिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाल लिया, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाला है। जब जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए उसके बाद मैंने इसके अंदर गार्लिक डाला है, ये एक चम्मच के करीब हमने गार्लिक डाला। और एक चम्मच ही हमने इसमें जिंजर डाला है। फाइन चॉप हमें दोनों चीज़ें रखनी है। उसके बाद हमने इसके अंदर अपने हिसाब से ग्रीन चिली ऐड कर, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर हमें इसे थोड़ा सा सोते कर लेना है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आप फ्लेम तेज़ ही रखें, यहाँ पे सारी कुकिंग तेज़ फ्लेम पे ही रहेगी। पर इसको आप चलाते रहे, इसको नीचे से जलने ना दे। उसके बाद हम इसके अंदर दो फाइन चॉप प्याज डालेंगे, और बिल्कुल फाइन चॉप हमें इसके अंदर प्याज रखनी है। ये स्टफिंग ऑफ़ कोर्स सी बात है, जाहिर सी बात है, ये थोड़ी ज़्यादा बनेगी। तो जब आपकी स्टफिंग बचेगी आप उसे ब्रेड पर लगा के टोस्ट भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया स्टफिंग बनेगी। तो वीडियो पूरी देखें। उसके बाद हमें इस प्याज में थोड़ा सा नमक डाल देना है ताकि इसको भुनने में मदद मिले और इसके अंदर का एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट हो सके। तो अभी हमने इसके अंदर आधा नमक डाला है, हमें नमक इसमें दो बैचेस में डालना है। उसके बाद जब हमारी प्याज भुन जाए, हमें इसको ज़्यादा नहीं भुनना है। उसके बाद हमने इसके अंदर दो टमाटर डाले, इन्हें भी हमें फाइन चॉप कर लिया है। अब हमें टमाटर को भी थोड़ा सा भुन लेना है। अब जब टमाटर हमारा भुन जाए उसके बाद हम इसके अंदर थोड़े मसाले डालेंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और ये थोड़ा सा नमक। आप लाल मिर्च यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, तेज़ वाली लाल मिर्च आप ना डालें क्योंकि अभी हम आगे ब्लैक पेपर भी डालेंगे। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ कश्मीरी रेड चिली का इस्तेमाल किया था। उसके बाद जो हमने मशरूम चॉप करके रखे थे वो इसमें हमने सारे ऐड कर दिए हैं, और अब इसको भी हमें थोड़ा सा भून लेना है ताकि ये मशरूम सॉफ्ट हो जाए। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ये स्टफिंग आप थोड़ी चटपटी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। उसके बाद जब हमारे मशरूम भी भुन जाए, सॉफ्ट हो जाए, हमने इसके अंदर थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दिया, यानी कि हरा धनिया चॉप करके डाल दिया है। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर देंगे, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है ब्लैक पेपर का चीज़ के साथ। इसको आप ज़रूर डालें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। और ध्यान रहे कि ब्लैक पेपर आपका फ्रेशली ग्राउंड हो आपने, यानी कि ताज़ा पीसा हो, क्योंकि फ्रेश ब्लैक पेपर का जो फ्लेवर है वो किसी चीज़ में नहीं है। उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ डाल दिया, और ध्यान रहे चीज़ हमें फ्लेम ऑफ करने के बाद ही डालना है, गैस हमें बंद कर देनी है। उसके बाद हमने इसके अंदर चीज़ ऐड कर रहा है, थोड़ा सा चीज़ हमें ऐड कर देना है 25 से 50 ग्राम के बीच, ताकि
हमारी स्टफिंग में एक अच्छी बाइंडिंगनेस आए। और ये अब हमारी स्टफिंग तैयार है, थोड़ी ठंडी भी हो चुकी है। अभी हम सब मशरूम के अंदर इसको भर देंगे। तो ये ऐसे मैंने मशरूम के अंदर अच्छे से दबा दबा के स्टफिंग भर ली है, क्योंकि स्टफिंग का ही फ्लेवर है, स्टफिंग का ही टेस्ट है। तो ये आप अच्छे से भरे और ऐसे दबा दबा के इसको बहुत बढ़िया तरीके से सारे मशरूम भर लीजिए। तो ये मैंने सारे मशरूम अब भर लिए हैं, मैंने अभी थोड़े से ही दिखाए हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ डालेंगे, तो ये अब हम ऐसे चीज़ रख देंगे। तो ये ऐसे हमें अब हर मशरूम के ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल देना है। तो ये अब सारे मशरूम हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सेकेंगे, क्योंकि जो बाहर वाला मशरूम है वो थोड़ा कच्चा है। तो अब हमने एक पैन में ऑयल डाल दिया और फ्लेम बिल्कुल हाई रहेगी, बिल्कुल हाई फ्लेम पे बनाना है, नहीं तो मशरूम पानी छोड़ देंगे अगर आप इसे लो पे बनाएंगे तो। जब तेल बिल्कुल तेज़ गर्म हो जाए बिल्कुल बढ़िया से, उसके बाद हमें इसके अंदर सारे मशरूम रख देने हैं और 2 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अब सारे मशरूम रख दिया। अब इस पर ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो ये अब 2 मिनट हो चुका है, चीज़ हमारा मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, यानी कि हमारे मशरूम भी पक चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेंगे, इसकी प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग में अब हम बहुत ही सिंपल इसकी प्लेट आपको करके दिखाएंगे। आप जब ये सारे मशरूम निकल जाए उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल दें, बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पार्सले भी ऐड कर सकते हैं। बाकी अब हमारे मशरूम बिल्कुल रेडी है, आप एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। और मैं आपको गारंटी दे तो बहुत बढ़िया लगेंगे खाने में, बहुत बढ़िया स्नैक्स है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।